सो स्टूडेंट्स, हम फाइंडिंग डेल्टास एल्जेब्रिकली के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे, जो कि हमने थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.3 से लिए थे। क्वेश्चन नंबर 19 से ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट हो रही है। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने इसके फर्दर क्वेश्चंस, जो पहले के क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे और इंट्रोडक्शन किया था कि बेसिकली ये लेक्चर वीडियो क्या है, इन क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे। तो अगर आपने लेक्चर मिस कर दिया है वो वाला, तो आप उस लेक्चर वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को पता हो कि बेसिकली हमें इन क्वेश्चंस में करना क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मैं आप लोगों को क्विक रिव्यू दे देती हूँ। हमारे पास बेसिकली क्या थी कि हमारे पास बेसिकली दो कंडीशंस थी जो कि हमें होल्ड करवानी थी। पहली कंडीशन जो थी वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड क्लोज लेस देन टू एप्सिलॉन, और जो दूसरी कंडीशन थी वो क्या थी, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन टू डेल्टा। इन दो कंडीशंस को जो है वो मुझे होल्ड करवाना था, ठीक है। ऐसे ही है, तो पहले हमने इस कंडीशन को लेके काम किया था, उसके बाद हमने इस कंडीशन को लेते हुए काम किया था, फिर दोनों की क्योंकि मिड में एक्स था तो हमने दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करके, यानी दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हमने वैल्यूज़ निकाली थी, और दो डिफरेंट वैल्यूज़ आई थी जिनमें से हमने स्मॉलर वन को सेलेक्ट किया था। स्मॉलर को सेलेक्ट करने का मैंने आप लोगों को रीज़न भी बताया था कि हमने क्यों स्मॉलर सेलेक्ट की है। तो चलिए हम अब लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 19 से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखो एफ ऑफ एक्स गिवन है, एल गिवन है, एक्स नॉट गिवन है, एप्सिलॉन गिवन है। तो हम स्टेप वन जो कि हमारा पहली वाली जो कंडीशन है उसको ट्रू होल्ड करवाना है, उससे स्टार्ट लेंगे। पहली कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, है अंडर रूट ऑफ 19 माइनस एक्स। एल क्या है मेरे पास, 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 मॉड क्लोज लेस देन टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मेरे पास क्या है, 1, ठीक है। मॉड हटता है जब मेरे पास, तो ये क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 लेस देन टू अंडर रूट ऑफ 19 माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन टू 1, ठीक है। जब मॉड हटता है तो जो भी कांस्टेंट होता है वो प्लस और माइनस में आता है, तो ये प्लस में और ये माइनस में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस 3 को सबसे पहले हटाना है, क्योंकि हमें सेंटर में सिर्फ और सिर्फ एक्स चाहिए होता है। तो 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस 3 है, हम ऑल साइड्स पर प्लस 3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लेस देन 2 अंडर रूट ऑफ 19 माइनस एक्स, और ये माइनस 3, इसमें जब प्लस 3 ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और लेस देन टू 1 के अंदर जब आप प्लस 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस स्क्वायर रूट को सबसे पहले हटाना है। तो स्क्वायर रूट हटाने का तरीकेकार मेरे पास क्या होता है कि आप तमाम साइड्स पे स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो स्क्वायर रूट खुद ब खुद कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप जब स्क्वायरिंग करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 लेस देन 2, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 माइनस एक्स लेस देन 2, 4 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको सिर्फ x चाहिए, तो यहाँ पे ये 19 क्या है, ये 19 एक्स्ट्रा है, तो आप इस 19 को जो है ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, आप ऑल साइड्स पे 19 को क्या करवा लोगे, सब्ट्रैक्ट करवा लोगे, ठीक है। ओ जब आप 19 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, या फिर आके एक काम ये कर लो कि आप पहले साइन चेंज करवा लें, ठीक है। सॉरी, आप पहले क्या कर लें, आप पहले जो हो वो साइन चेंज करवा लो। क्या मतलब साइन चेंज करवाने का, आपके पास ये क्या है, 19 माइनस एक्स है, जबकि मुझे क्या चाहिए, एक्स पॉजिटिव में चाहिए, तो इस एक्स को पॉजिटिव करने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो आप देखो ये हो जाएगा माइनस 4, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरा क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, स्विच हो जाता है, यानी अगर ये इस तरफ ओपन हो रहा है तो अब इसने इस तरफ ओपन होना है, ये कॉन्सेप्ट भी आई होप आप लोगों को होगा, ठीक है। फिर जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होता है हो जाएगा एक्स माइनस 19, अब यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी स्विच हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 16। तो आप देखो एक्स आपके पास पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ, हमारे पास यहाँ पे क्या था, 19 माइनस एक्स था, जबकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होता है, x पॉजिटिव में चाहिए होता है, तो इसका मतलब मुझे क्या कराना पड़ेगा, मुझे इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब जब मैंने इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो ये माइनस 4 आया, और माइनस से जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं अपनी इक्वेशन को तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी होती है वो भी स्विच करती है, फ्लिप करती है, यानी अगर ये पहले इस तरफ था तो अब इसने इस तरफ आ जाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने काम किया है, ठीक है। तो अब x मेरे पास पॉजिटिव हो चुका है, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, 19 नहीं चाहिए, तो ये 19 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आपने इस 19 को अगर कैंसिल आउट करना है आप ऑल साइड्स पे 19 को क्या कर लो, ऐड अप कर लो। तो जब आप ऐड करोगे
तो ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस 19, इसका आंसर आएगा आपके पास 15, ग्रेटर देन यहाँ से x, क्योंकि प्लस 19 माइनस 19 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ग्रेटर देन माइनस 16 प्लस 19 आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 इज लेस देन टू x लेस देन टू 15, ऐसे ही लिख सकती हूँ ना. देखो ये इक्वेशन यही थी, 15 इज ग्रेटर देन x, x इज ग्रेटर देन 3, तो मैंने इसको स्विच करके लिख दिया. इसका मतलब क्या, 3 इज लेस देन x, वही बात है कि x इज ग्रेटर देन 3 या 3 लेस देन x, वही इसी तरह से लिख दिया, और इज लेस देन 15. ठीक है, तो यानी मैंने अपनी इनइक्वालिटी को जो है वो दोबारा से इस तरह से करने के लिए इक्वेशन को आप समझो ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया. ठीक है, तो ये मेरे पास अब मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1. देन अब मैं स्टेप 2 करूँगी. स्टेप 2 के अंदर हम क्या कर रहे थे, जो हमारी सेकंड कंडीशन होल्ड करवानी थी हम उसको लेके काम कर रहे थे. सेकंड कंडीशन क्या थी मेरे पास, वो थी मॉड ऑफ x माइनस x नॉट लेस देन टू डेल्टा. आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो मॉड ऑफ x माइनस x नॉट क्या है मेरे पास है 10 लेस देन टू डेल्टा. अब जब आपके पास मॉड ओपन हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन टू x माइनस 10 लेस देन टू डेल्टा. अब मुझे सेंटर में सिर्फ x चाहिए, ये 10 यहाँ पे माइनस है, आप ऑल साइड्स पे प्लस करवा दो 10, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा प्लस 10 लेस देन टू x लेस देन टू डेल्टा प्लस 10. ठीक है, तो अब ये मेरे पास आ चुकी है इक्वेशन 2. अब क्योंकि इसके सेंटर में भी x है, इसके सेंटर में भी x है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को क्या करवा सकती हूँ, कंपेयर करवा सकती हूँ. तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो जब हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा प्लस 10, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 15 इक्वल्स टू डेल्टा प्लस 10. अब इन दोनों इक्वेशन से आप डेल्टा की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से जो आपका डेल्टा आएगा वो कैसे आएगा, डेल्टा इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 10 माइनस 3, तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 7. इस इक्वेशन से आप निकालो तो ये हो जाएगा 15 माइनस 10 ना, तो डेल्टा इक्वल्स टू 15 माइनस 10, तो डेल्टा आपके पास यहाँ से आ जाएगा 5. तो हमें क्या पता है कि हम हमेशा स्मॉलर डेल्टा को सेलेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम कौन से डेल्टा को सेलेक्ट करेंगे, हम लिखेंगे थस डेल्टा हमारा क्या आ रहा है, डेल्टा इक्वल आ रहा है 5 के. सो दिस इज़ दी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20. सो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसके अंदर हमारे पास सेम वही चीज़ें दी हुई हैं. एफ ऑफ एक्स गिवन है, एल गिवन है, एक्स नॉट गिवन है, एप्सिलॉन गिवन है. हमें फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को होल्ड करवाना है. फर्स्ट कंडीशन क्या थी मेरे पास, हमने यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप 1. ठीक है, स्टेप 1 क्या थी, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देती हूँ, जो कि है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 7 माइनस एल जो कि है 4 लेस देन टू एप्सिलॉन. एप्सिलॉन क्या है, 1 है मेरे पास. ठीक है, अब जब यहाँ पे मेरे पास ये कंडीशन ओपन होगी यानी मॉड हटेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 लेस देन टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 7 माइनस 4 लेस देन टू 1. ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले आपको माइनस 4 हटाना है, तो ऑल साइड्स पे आप प्लस 4 कर दो, तो ये माइनस 1 प्लस 4 ये आपके पास हो जाएगा 3 लेस देन टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 7 लेस देन टू 1, और प्लस 4 ये हो जाएगा आपके पास 5. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस अंडर रूट को हटाना है, तो हम ऑल साइड्स पे स्क्वायर कर लेंगे. तो जब स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर आएगा आपके पास 9 लेस देन टू अंडर रूट, और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, x माइनस 7 आ जाएगा, लेस देन टू 5 का स्क्वायर इज 25. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सेंटर में सिर्फ x चाहिए, ये माइनस 7 है, आपको माइनस 7 कैंसिल आउट करना है, तो आप ऑल साइड्स पे प्लस 7 कर लोगे, तो 9 प्लस 7 इज 16 लेस देन टू एक्स, ये प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेस देन टू 25 में जब आप प्लस करोगे 7 तो ये हो जाएगा 32. सो ये मेरे पास आ गई है मेरी फर्स्ट इक्वेशन. अब हम मूव करेंगे सेकंड कंडीशन की तरफ, जो कि हमारा स्टेप 2 है. तो सेकंड कंडीशन क्या थी, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट क्या है 23 लेस देन टू डेल्टा. ठीक है, यही कंडीशन होल्ड करवानी थी हमें. अब जब मॉड ओपन होगा तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन टू एक्स माइनस 23 लेस देन टू डेल्टा. अब इस 23 को हटाने ऑल साइड्स पे 23 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा प्लस 23 लेस देन टू एक्स लेस देन टू डेल्टा प्लस 23. से दिस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2. नाउ यू कैन कंपेयर बोथ इक्वेशंस, बिकॉज इन द सेंटर बोथ इक्वेशंस हैव एक्स. तो आप लिख लो यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, खुद से लिख लेना आप. यहाँ पे हम कंपेयरिंग की तरफ चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा प्लस 23.
और यहाँ से आया 32 इक्वल्स टू डेल्टा प्लस 23। नाउ आई होप आप लोग को सिंपल मैथमेटिक्स आती होगी। ये डेल्टा इस तरफ आ जाएगा, 16 उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 23 माइनस 16 एंड इट विल कम डेल्टा इक्वल्स टू 7। और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 32 माइनस 23, सो इट विल बी 9। सो क्योंकि हम स्मॉलर डेल्टा सेलेक्ट करते हैं तो मींस यहाँ पे हमारे पास क्या आया, थस डेल्टा हमारे पास किसके इक्वल आया है, 7 के इक्वल आ गया है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 21 है उसकी तरफ मूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 है जिसके अंदर हमें एफ ऑफ एक्स, एल, एक्स नॉट और एप्सिलॉन गिवन है। सेम स्टेप्स करने हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को लेक्चर वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, ठीक है। तो चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 है जिसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होल्ड करवानी है जो कि है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो कि है 1 ओवर x। हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, माइनस एल जो कि है 1 ओवर 4 लेस देन टू एप्सिलॉन जो कि है 0.05। अब हमें पता है कि मॉड हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.05 लेस देन टू 1 ओवर x माइनस 1 ओवर 4 लेस देन टू 0.05। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस 1 ओवर 4 को हटाना है, तो ये यहाँ सब्ट्रैक्ट में है, आप ऑल साइड्स पे प्लस 1 ओवर 4 कर दोगे। तो ये जब आप इसके अंदर माइनस 0.05 में 1 ओवर 4 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.2 लेस देन टू 1 ओवर x लेस देन टू 0.05 में जब आप 1 ओवर 4 ऐड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0.3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 1 ओवर x तो नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जब हम इक्वेशन को यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी, यानी फ्लिप हो जाएगी, स्विच हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 0.2 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1 ओवर 0.3, ठीक है जी। तो अब आप इस इक्वेशन को दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे दूसरी तरह से, कि 1 ओवर 0.3 इज लेस देन टू एक्स लेस देन टू 1 ओवर 0.2। सो 1 ओवर 0.2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 ओवर 0.3 जो है वो 3.33 के इक्वल होता है, लेस देन टू एक्स लेस देन टू 1 ओवर 0.2 जो है वो इक्वल होता है 5 के। तो आप इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो, तो इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ। देन मैं अब स्टेप 2 की तरफ चलती हूँ अपने, तो मेरा स्टेप 2 जो था वो क्या था, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट जो कि है 4 लेस देन टू डेल्टा। अब मॉड हटेगा तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन टू एक्स माइनस 4 लेस देन टू डेल्टा। अब ये माइनस 4 हटाना है, ऑल साइड्स पे प्लस 4 कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा प्लस 4 लेस देन टू एक्स लेस देन टू डेल्टा प्लस 4। तो ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो आप यहाँ पे लिख लो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3.33 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा प्लस 4 और यहाँ से इक्वल हो जाएगा 5 इक्वल्स टू डेल्टा प्लस 4। अब इस इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि डेल्टा जो है वो मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा मेरे पास यहाँ से 1 के इक्वल आएगा। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डेल्टा उधर चला जाएगा और 3.33 उधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 4 माइनस 3.33। तो जब आप यहाँ से डेल्टा निकालोगे तो आपके पास जो डेल्टा आएगा वो आएगा 0.66 के। अब 1 और 0.66 में से 0.66 स्मॉलर है तो हम स्मॉलर सेलेक्ट करेंगे, हम बोलेंगे थस डेल्टा इक्वल है 0.66 के, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व हो चुका है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में भी सेम वही चीज़ें हैं, अब मैं इसको थोड़ा क्विकली करूँगी, ठीक है। तो हम स्टेप 1 करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टेप 1 मेरे पास क्या था, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल, यानी मैंने वैल्यूज़ पुट करी हैं लेस देन टू एप्सिलॉन। ये मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, माइनस एल की वैल्यू पुट की, लेस देन टू एप्सिलॉन। अब ये हटेगा तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0.1 लेस देन टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 लेस देन टू 0.1। अब आपको पता है प्लस 3 ऑल साइड्स पे आप ऐड करोगे इसको हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 2.9 लेस देन टू एक्स स्क्वायर लेस देन टू 3.1, ठीक है। ये प्लस 3 हमने ऑल साइड्स पे ऐड किया है। अब मुझे एक्स सिंपल चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मुझे तमाम की तमाम साइड्स पे क्या करना पड़ेगा,
अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2.9 लेस देन टू एक्स लेस देन टू अंडर रूट 3.1। नाउ से दिस इक्वेशन इक्वेशन वन। अब हम स्टेप टू की तरफ बढ़ रहे हैं। क्विकली मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब आप लोगों की बेस बन चुकी है, ठीक है। तो ये क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट जो कि है रूट थ्री लेस देन टू डेल्टा। अब आपको पता है कि ये जब मॉड ओपन होगा तो मेरे पास माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा आएगा, तो माइनस डेल्टा लेस देन टू एक्स माइनस रूट थ्री लेस देन टू डेल्टा। अब आप ऑल साइड्स पे प्लस रूट थ्री कर लोगे तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा प्लस रूट थ्री लेस देन टू एक्स लेस देन टू डेल्टा प्लस रूट थ्री। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। अब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पे लिख लेना कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। मैं कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। अब आप जब कंपेयर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2.9 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा प्लस रूट थ्री, एक ये आएगा आपके पास, और एक आएगा अंडर रूट 3.1 इक्वल टू डेल्टा प्लस रूट थ्री, ठीक है जी। बहुत आसानी से ये माइनस रूट थ्री वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू, ये आपके पास आएगा 0.0286। और यहाँ से जब आप करोगे तो डेल्टा उधर जाएगा 2.9 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस रूट 2.9। तो यहाँ से जो आपके पास डेल्टा आएगा वो आएगा 0.029 के इक्वल आएगा। तो 0.029 और 0.0286 में से आपके पास 291 समथिंग कुछ ऐसे आएगा ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू स्मॉलर है तो आप इस डेल्टा को सेलेक्ट कर लोगे तो डेल्टा आपके पास क्या आ गया, आप लिखोगे तरस डेल्टा इक्वल्स टू 0.0286, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेक्चर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं देखा और कोई क्यूरी है तो मैं पहले आप लोगों से कहूँगी आप लोग इंट्रोडक्टरी लेक्चर को ज़रूर देख लिया करें क्योंकि वो आपकी बेस बनाता है, ठीक है। और उससे आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। नहीं हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।